पति अगर ज्यादा तंग करेंगे तो इनसे कंसल्ट कीजिएगा, अच्छा है ना। बहुत हम लोग खुद गलती कर रहे हैं आपको परिचय करवाकर, पत्नी भी करेंगी तब भी अच्छा, तब तो ठीक है, बैलेंस रहेगा। तो मैं इनको सम्मानित करने के लिए मैं सुषमा दीदी को आमंत्रित करूंगा। सुषमा दीदी आप यहाँ आए, गिनती करवाते हैं, गिनती करने निकल जाएगा। सुषमा दी हमारी काफी पुरानी मेंबर हैं, एकदम ठंड में भी मतलब कि बारिश ठंड कभी नागा नहीं करती थी। मैं सुनील जी को आप सम्मानित कीजिए, बहुत गर्व की बात है कि बिहार पटना की रहने वाली है। दो शब्द जब फिट इंडिया के लिए आशीर्वाद वचन आप दे दीजिए। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले तो अपने खुद में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने मेरा परिचय बताया कि मेरा नाम सोनल सिंह है और मैं कबड्डी की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मेरी हॉबी डांस और प्लेइंग दोनों रहा है। और डांस में भी मैं एमए कर चुकी हूँ कथक और भरतनाट्यम में। मेरा अपना डांस स्कूल भी चलता है नृत्य साधना मंदिर के नाम से। और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हमारा ऑफिस बोरिंग रोड में नागेश्वर कॉलोनी में है और इसके जरिए हम लोग समाज में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक आवाज़ उठाते हैं। जो किसी भी तरह का विवाद हो तो थाने में जाने से वो बिगड़ता चला जाता है। तो एक हम लोग बीच की कड़ी बनते हैं जहाँ पे दोनों को बैठा के काउंसलिंग कर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे मामले हम लोग के पास आए हैं जो बहुत सालों से पति पत्नी के बीच हो, चाहे घरेलू हो, वो कोर्ट में चल रहा हो और हम लोगों ने उसको बैठ के सुलझाया और वो केस वापस हो गया। तो इस तरह के मामलों के लिए हम चाहते हैं कि हम सबको एक कड़ी बनकर एक जुट होकर काम करने का मैंने मौका मिला है। तो इसमें हम सब मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर और आगे बढ़ाएं इस मुहिम को। समाज से में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा को दूर करें, बस यही हमारा ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, थैंक यू। बहुत ही जानकारी आपने दी है, महत्वपूर्ण जानकारी। छोटा मोटा झगड़ा होगा तो घर में सलटा लीजिएगा, हाँ बड़ा झगड़ा होगा तब इनसे मिलिएगा, है ना। बेलन वेलन चल जाए तो आने की जरूरत नहीं है, रोटी टेढ़ा बन जाए तो भी आने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए